एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे गाइस कि लोगों की नज़र में आपकी छवि कैसी है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं लोगों की नज़र में आपकी छवि कैसी है। टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, गाइज़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं लोगों की नज़र में आपकी छवि कैसी है। बॉटम ऑफ डेक आया है, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, फूल, हर्मिट एंड टेन ऑफ सोर्स। जल्दी से गाइस मैं इन्हें अरेंज कर लेती हूँ। तो गाइस लोगों की नज़र में आपकी छवि कैसी है। आपकी छवि एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में है जो अपने करियर वाइज बहुत फोकस्ड है और करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, किसी हाईली पोस्ट पे है। ठीक है, और ये हाईली पोस्ट भी नहीं है तो जिस भी पोस्ट पे आप हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप उनकी नज़र में। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहा है। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन है जो अपनी फैमिली की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। ठीक है, अब आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखता है, उन्हें फाइनेंशियली किसी भी तरीके की चीज़ की कमी नहीं होने देता। ठीक है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है या करती है। ठीक है, आपकी फैमिली भी इस चीज़ को लेके बहुत तारीफ़ करती है आपकी, कि आप एक ऐसे ज़िम्मेदार इंसान हैं उनके घर के। ठीक है, जो उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है या करती है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे पर्सन हो जो मैं कहूँ बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, और साथ ही आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक्शन ओरिएंटेड है। लाइक आप किसी से नहीं डरते होंगे, आप अपनी बात कहना जानते हो, हर सिचुएशन में आप एक्शन लेना जानते हो, अपनी फैमिली के लिए खड़े होना जानते हो, अपनी फैमिली को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले आप उसका सामना करते हो, या कोई भी बुरी सिचुएशन ऐसी लग रही है जहाँ पे आपकी फैमिली कमज़ोर पड़ सकती है तो सबसे पहले आप खड़े होते हो उनके लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो बीमार है। ठीक है, या मैं कहूँ उनकी कोई पुरानी चोट वगैरह है तो देखभाल करना, मेडिसिन वगैरह का ध्यान रखना, उनको टाइम टाइम पर डॉक्टर के पास लेके जाना, वो सब चीज़ आप करते हैं। ठीक है, आप पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंस की भी चिंता नहीं करते उस वक्त, सिर्फ आप उनके ऊपर फोकस करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, वो जिस भी चीज़ से परेशान है उस चीज़ में जल्दी उन्हें राहत मिल जाए। साथ ही आप ना लोगों की ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की दुनियादारी की ज़्यादा सोचते हो एंड देन उसके बाद आप एक्शन लेते हो, कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हो। ठीक है, तो लोगों की नज़र में आपकी छवि ऐसी है कि जो इंसान सोच समझकर डिसीज़न लेता है कोई भी चीज़ नई शुरू करने से पहले, आप हर बार हर चीज़ के बारे में सोचते हो
कि उसका आउटकम क्या होगा या लोग क्या कहेंगे या इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो, आप लोगों की सोच कर चलते हो। मे बी ऐसा हो सकता है आप बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन हैं, आप नई शुरुआत करने से डरते नहीं हो, आप हर चीज़ में एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। ठीक है, आप ये नहीं सोचते जो पुराना चला आ रहा है मैं उसी को रिपीट करता रहूं। नहीं, अगर आपके सामने कोई नई चीज़ आई है, नया कुछ ऐसा सीखने का मौका आया है, तो आप उसे बहुत जल्दी ग्रैब करने का सोचते हो। कुछ सीखना बहुत पसंद है, कुछ भी नया है जो सीखने लायक है या कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि हाँ नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, ठीक है, वो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होती है या खुद के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप नॉलेज लेने में आप ज़रा भी कतराते नहीं होंगे। ठीक है, और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेके ना लोग ये समझते हैं कि आप बहुत करेजियस हो, बहुत हिम्मत वाले हो, आपके अंदर बहुत हिम्मत है किसी भी चीज़ में एक्शन लेने के लिए। ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। ठीक है, कोई भी रिस्क लेने से पहले बहुत हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो क्योंकि आप रिस्क लेने से नहीं डरते। दुनिया आपको कितना भी रोके कि भाई इसमें रिस्क मत लो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। ठीक है, तो उनकी नज़र में आपकी छवि ऐसी है जो रिस्क लेने से नहीं डरता। ठीक है, और नई शुरुआत करने से नहीं डरता। ठीक है, आपको कभी डर नहीं लगता कि कोई भी नया बिजनेस या कोई भी चीज़ में अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो तो आप पूरे दिल से करते हो, आप डरते नहीं हो। नर्वस हो रहे होंगे बट आप डरते नहीं हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, बल्कि आप बहुत डेस्परेट हो रहे होते हो कि नहीं मुझे लेना है, जब तक मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका आउटकम अच्छा आना है या बुरा आना है। ठीक है, आउटकम की पहले ही सोच लूँगा तो कभी रिस्क ले ही नहीं पाऊँगा। तो आप हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और ज़्यादातर आपके लिए गए रिस्क आपको फ़ायदा ही देते हैं। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप ना बहुत मैच्योर हो, साथ ही आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आप सोच रहे होते हो, कुछ भी नया शुरू कर रहे होते हो या कभी भी आप टेंस होते हो ना, तो आप अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले चीज़ों को एनालाइज करना पसंद करते हो। ज़्यादा आपको शोर शराबा पसंद नहीं है अपने आसपास कि लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ या उनसे हेल्प ले लेता हूँ, नहीं, वो खुद की ही हेल्प लेते हो, खुद के ही दिमाग सोल को एक करके अलाइन करके तब उस चीज़ में एक्शन लेते हो। ठीक है, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय शोर शराबे के या भीड़ के साथ। ठीक है, अभी खुद के साथ अलाइन होना आपको बहुत पसंद होगा। ठीक है, साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि फैमिली का ध्यान रखते रखते आप खुद का ध्यान रखना भूल गए, और शायद मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई लव वन नहीं है अभी भी, शायद मे भी आप सिंगल हो। ठीक है, या अभी भी आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सको। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है आप फैमिली में बड़े हो, आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, और सारी जिम्मेदारियां नहीं भी हैं तो आप खुद ही उठाते हैं सारी जिम्मेदारियां अपनी फैमिली की या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी। ठीक है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनके करियर में सपोर्ट करना, तो कहीं ना कहीं आप अकेले रह गए हैं। ठीक है, तो लोगों की नज़र में आपकी छवि ये है कि आप अपनी फैमिली का करते 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 आप खुद अकेले रह गए हैं, खुद की आप नहीं सोच रहे हैं, या मैं कहूँ तो आप सेल्फिश नहीं हैं, आप अपनी फैमिली की सोचते हैं, फैमिली की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से आप अकेले रह गए हैं। अगर आपको अभी हर्ट हो रहा है, लोगों से धोखा मिला है, लोगों से चीटिंग मिली है, तो आप खुद ही अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, खुद की सेल्फ एनालाइजिंग करते हैं। ठीक है, खुद के साथ जुड़ते हैं, खुद की कमजोरियों को, खुद की स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं।
ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आपके पास लव ऑफ़र आते रहते हैं, बट आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी है कि आप उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, साथ ही आप दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है, आप एक स्टार की तरह लाइक छा जाएं, ठीक है, और आपके अंदर दिमाग बहुत तेज है, आपको अच्छे से पता है कि कहाँ मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ मुझे अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करना है जिसका आउटकम अच्छा ही मिले। ठीक है, आपको अच्छे से पता है, आप सबसे पहले आउटकम की सोचते हो, ठीक है, कि मैं जो भी एक्शन लूँगा उसका आउटकम कैसा आएगा, फिर चाहे आपके लव रिलेशनशिप को लेके हो कि क्या ये पार्टनर जिसके साथ मैं लव रिलेशनशिप रख रहा हूँ या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या इसके साथ मैं आगे लाइफ में बढ़ सकता हूँ, क्या इसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। अगर आपको नहीं लगता ना, तो आप वहाँ से कट ऑफ कर लेते होंगे क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, और आप ऐसे कैजुअली रिश्ते भी नहीं चाहते, आपको एक सॉलिड रिश्ता चाहिए, ठीक है, जो आपका ज़िंदगी भर चले जब तक आप हैं। ठीक है, तो लोग ये चीज़ को लेकर आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक कैजुअली रिश्ते में नहीं रह सकता, जिससे एक सॉलिड रिश्ता चाहिए अपनी लाइफ में चाहिए तो। ठीक है, साथ ही आप एक ऐसे पर्सन हैं जो औरों की विश फुलफ़िल करता है तो यूनिवर्स उसकी विश फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, आप जब औरों की विश फुलफ़िल कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स देख रहा है उन सब चीज़ों को कि हाँ आप लोगों के लिए जी रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी विश फुलफ़िल करते हैं, जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिलता है, और इसलिए आप इतने ब्लेस्ड हैं। ठीक है, तो लोगों की नज़र में आपकी छवि ना ऐसी है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप अपनी फैमिली का करते हैं लेकिन भगवान आपका कर देता है, ठीक है, आपके काम बना देता है कैसे ना कैसे। या गाइस, मुझे यही दिख रहा है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।